तो आज मिश्रा जी बताएंगे किस खुशी में ये पार्टी हो रही है, किस खुशी में ये पार्टी हो रही है मिश्रा जी। आज कोई ओकेजन? 6 महीना। शुगु, आज पार्टी क्यों है घर पे? पापा की छुट्टी है, क्योंकि कल मेरा बर्थडे, इसलिए आज मैंने पार्टी रखी है। कल बर्थडे है? और क्या क्या लेके जरा बताओ तो जरा। ये फ्रूटी अरे वाह, इधर है छोले भटूरे। ओ माय गॉड। इसमें क्या है? वो किसका है? उसमें क्या है? समोसे। उस वाले में तो खाना मैंने फिर क्यों बनाया ना? संडे, चलो आज मेरी छुट्टी है। अब क्यों छुट्टी है मेरी ये किचन की, जरा आप एक्सप्लेन करेंगे? No. क्योंकि मेरे पैर में आ गया है मोच, ये देखो गाइस, ये ना पूरा देख रहे हो आप लोग, ये सूज गया है पूरा। जितने का सामान है ना, अगर डॉक्टर की फीस लागे ना, डॉक्टर को दिखा देता, इससे महंगा पड़ गया खाना ये। तो क्यों नहीं दिखाया? इसे डॉक्टर की नीड नहीं है। देखो कितना सूज गया, देखो देखो ना। मिर्ची बहुत अच्छी होती है, देखो अग्रवाल कैसे सूज गया है। चलो आप लोग एंजॉय करो, मैं आ रही हूँ अभी। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट जो है घर में नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पैरों में सही में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। स्वेलिंग आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरा में उतना अच्छा क्लियर नहीं दिख पाता है। मोच आने के कारण मैं खड़े होकर खाना नहीं बना पा रही थी। तो उन्होंने बोला कि चलो ब्रेकफास्ट जो है हम बाहर से मंगवा के बाहर से कर लेते हैं, और बाकी जो लंच है आप बना लेना। तो ये लेके आ गए थे छोले भटूरे। इससे पहले मैंने उनको बोला था कि आप ही कुछ मैगी वगैरह बना लो और हम खा लेंगे, लेकिन आदमी लोग इतने मेहनती कहाँ होते हैं। उनको किचन में जाना, और स्पेशली मेरे हस्बैंड को ना किचन में जाना, मतलब लगता है कि पता नहीं क्या ही कर दिया। अपने मूड के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे। और पेन होने के कारण आज जो मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया, और मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है, मतलब दूसरा नहीं, जब से मुझे पता चला है दूसरा दिन है, और मेरा पैर इतना सूज गया, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा अभी, बट मेरा पैर बहुत ज़्यादा सूज गया है। और अगर मैंने इसको नहीं ठीक करा, क्योंकि देखो इससे पता चलता है, ये देखो ये वाला जो पैर है ना, ये देखो यहाँ की जो हड्डी है मेरी दिख रही है, लेकिन अगर मैं इस पैर की बात करूँ तो पूरा प्लेन हो गया है, पूरा प्लेन हो गया है। ये इतना ज़्यादा मेरे को पेन है ना यहाँ पर, आज मेरे से चला भी नहीं जा रहा। और शक्ल तो मैंने ऐसे बना रखी ना अपने की, मैं इसलिए जो ब्लॉग है वो, और दर्द के मारे मेरी जो हालत है, मेरा फेस जो ना आप लोग देख सकते हो, मेरा फेस इतना गंदा लग रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। नहा के पूजा करके कैसे भी करके आई हूँ, और शुगु को भी मैं लेने नीचे नहीं गई, मतलब ऊपर ही खड़ी थी, और फिर अपने आप आई आधे रास्ते, फिर मैंने इसको लिया है। एंड मेरे को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द के मारे मैं यहाँ पे ऐसे दल दल दल, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है अभी। तो इस वजह से जो है मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ, और अभी भी मैं जा रही हूँ इसमें मूव लगा के एंड गर्म पट्टी बांधने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दर्द ज़्यादा बढ़ गया था पैरों में, मतलब चला नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो मैं चली गई भाभी घर पे आराम आराम से उतर के, और वहाँ पे वो जाने के बाद उन्होंने मेरी कम से कम 15 से 20 मिनट उन्होंने इतनी अच्छी मालिश की है ना, इतनी अच्छी मालिश की है कि मेरा जो पैर का दर्द है ना, मुझे लगता है जैसे 90% ख़त्म हो गया। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते। आपको एक ऐसा चीज़ हो गया था मेरे साथ, जैसे नस चट गई थी, आप लोग देख सकते हैं कैसे जो नसें हैं ग्रीन ग्रीन दिख रही हैं। तो उस टाइम मालिश की ज़रूरत थी, और इस टाइम ना भाभी ने मतलब इतना अच्छा मालिश किया ना, कि मेरे को इतना अच्छा लगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कभी भी ना ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो एक लेडीज़ ही लेडीज़ का दुख समझती है, हस्बैंड भी नहीं समझते। उनको मैं बता रही थी, और बार बार मुझे बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास चले जाओ, ये तो ये मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन ले लो। उनकी भी गलती नहीं बता सकते, वो लोग इतना इमोशनली, मुझे लगता है कि बहुत कम आदमी होते हैं, हस्बैंड होते हैं जो इतने इमोशनली गर्ल्स की प्रॉब्लम समझते हैं।
तो मैं गई भाभी घर पे और उन्होंने जो मुझे मालिश दिए ना, ओ माय गॉड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ कि मेरे पास इतनी प्यारी भाभी है। हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, टच वुड किसी की नज़र ना लगे, एंड हमेशा हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने बाकी बाद में मुझे डांटा भी कि आप क्यों आई, मुझे फ़ोन कर देती, मैं आ जाती, क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। जैसे तैसे मैं गई हूँ और मेरी बेटी मतलब इतना सपोर्टिव है ना, 5 साल की है, 5 साल की भी हुई भी नहीं, और इतनी सपोर्टिव है, वो हाथ पकड़ पकड़ के मेरे को लेके गई है। स्कूल से आई भी अकेले आ गई थी जीने पे। उसके बाद मैं आ गई घर पे और आई थिंक 8 बज रहे थे, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गर्म पट्टी जो अपने पैरों में लपेट लिया है क्योंकि मालिश हो गई थी इस वजह से। बहुत मुश्किल का काम है एक ब्लॉगर को अगर ब्लॉगिंग ना करने को मिले तो। मेरी जो हालत है थोड़ी सी चल रही है ख़राब, क्योंकि मेरे पैर में इतना दर्द है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अभी मैं बस मैं भाभी घर से तुरंत आई हूँ, थोड़ा सा मालिश करवा के ताकि वो थोड़ा ठीक हो जाए। और मैंने अभी जो है इसमें फ़िलहाल गर्म पट्टे हैं, आप लोग देख सकते हैं, मतलब दर्द है। लेकिन आज मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, 2 दिन से मेरे को दर्द हो रहा है, तीन दिन से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, इस वजह से ना मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा, जैसे लग रहा पता नहीं कुछ एक अधूरा काम है जो मैंने नहीं किया। इस वजह से आखिर कल मैंने जो है अपना कैमरा जो है उठा ही लिया है। एंड टाइम की बात करें तो अभी टाइम हो रहा है, अभी कुछ नहीं बना क्योंकि मैं जस्ट अभी आई हूँ। बेटू कुछ कहना चाहते हो आप, क्या हो गया आपकी मम्मा को? 2000 years later क्या हो गया? अच्छा बच्चा, और मेरे को दुआ क्यों नहीं जाने बताते? अच्छा क्यों नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना क्यों? बताओ एक रीजन तो बताओ, तभी तो मैं नहीं जाने दूंगी। मतलब क्या रीजन है स्कूल में, फिर स्कूल नहीं जाने का क्या रीजन है? मैं पैर मम्मा का टूटा हुआ है और आप नहीं जाओगे? पूरे दिन पढ़ाई करनी पड़ती है तो क्या हो गया? भी तो होती है, पूरे दिन पढ़ाई होती है तो चुप बैठना पड़ता है, शोर नहीं कर सकते? नहीं। मैम को बोल दूंगी कि थोड़ा सा शोर करने दो, इतना शोर, इतना सा शोर तो करने दो, इतना मैम को बोलना पड़ेगा कि मैम थोड़ा शोर करने दो। तो खेलना भी तो खेलते भी तो हो गया आप लोग, खेलने नहीं ले जाती मैडम? नहीं, पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई। ओहो, किचन में सिंक में बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं, दिखा नहीं सकती कि सिंक देख लो आप लोग पूरा भरा पड़ा है और खाना भी नहीं बना है। हस्बैंड बोल रहे थे कि बाहर से ही कुछ ले आते, लेकिन कितने दिन तक हम बाहर का खाएंगे? कल भी बाहर की खाई थी हमने, तो डेली डेली बाहर की चीजें आप खा भी नहीं सकते हो। यार पता नहीं क्या दिख रहा है मुझे, ऐसे कैमरा की वजह से दिख रहा है। तो डेली डेली बाहर की चीजें खा भी नहीं सकते, इस वजह से मैंने बोला नहीं मैं घर में ही बना लूंगी। तो मैं बस आ गई हूँ और सोच रही हूँ चावल दाल डाल दूँ फटाफट, और देखते हैं उसमें होगा तो आलू डाल देंगे ताकि जल्दी से जो है वो बन जाए। बाकी मुझे बर्तन भी धोने हैं। क्या काट दोगे आप? सब्जी? सब्जी काट दोगे आप? क्यों काटोगे उसको? कब से बिस्कुट उसको मेरे को धमकी दोगे कि काट दोगे? हाँ। और बिस्कुट तो है ही नहीं अपने पास, लिया तो था, तो खत्म हो गया ना, आपने खा लिया ना? और बिस्कुट कहाँ खाए थे मैंने? खा लिया बिट्टू, और बिस्कुट नहीं है अपने पास, कुछ और वो वाला बिस्कुट है जो मैंने आज दिया था आपको, पार्ले जी। भूख लग गई है आपको? तो दाल चावल जो है मैंने गैस पे रख दिया है बनने के लिए, और उसके बाद मैं आ गई थी। मैंने आज जो है कुछ मसाले जो हैं डब्बे में रखे, मेरे पास ना सेम कलर के कुछ डब्बे हैं और मसाले मुझे जो ऐसे लगते हैं कि वो दिखने में ना सेम लगते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा मसाला किस डब्बे में है। इस वजह से मैं यहाँ पे मार्कर से जो है नेम मेंशन कर रही थी ताकि जब मैं कुकिंग करूँ तो मुझे ना आराम से देख के पता चल जाए कि मेरे पास ये मसाला इस डब्बे में है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो नेम है मेंशन कर दिया है, और क्योंकि ये फ़ैन ऑन था और पंखा चलते टाइम ही मैंने जो है आप लोगों से बातें की तो मुझे पता था कि वॉइस जो है क्लियर नहीं आएगा, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही थी। एंड आज का जो व्लॉग है यहीं पे करती हूँ, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत जल्दी मिलूंगी नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।